नमस्कार साथियों, आपके बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी स्ट्रेटजी जो आप बनाकर रखे हैं, चाहे आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो या फिर आने वाले सुपर टेट की या फिर अपने यूपी टेट सी टेट की। साथियों, यहाँ पर दो विषय पर बात करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे प्रशिक्षण, तभी जाके आपको दोनों जानकारी जो है मिल पाएगी। आपको पता है कि 80,000, पहले दो मुद्दे पर बात करेंगे। एक तो 80,000 जो वैकेंसी आने वाली है प्राथमिक में बिहार में, क्या यूपी वाले एलिजिबिलिटी हैं, और दूसरी तरफ ये भी बात करेंगे प्रशिक्षण कि जो आपका डीएलएड का रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे सूत्रों से यह पता चल रहा है कि अभी कापियाँ चेक होना ही स्टार्ट नहीं हुई, क्या यह सत्य बात है। इस दोनों विषय पर चर्चा करते हैं, अंत तक बने रहते हैं आप तो सारी बातें समझ में आएंगी। एक बार विनती है कि आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। साथियों, ऐसे प्रशिक्षु जो सीटेट क्वालिफाई हैं, वही 80,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आने वाली है बिहार में, उसमें एलिजिबिलिटी होंगे। और बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है कि बिहार में यूपी वाले बच्चे नहीं अलाउ होंगे या फिर अदर स्टेट नहीं अलाउ होगा। साथी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पूरी जानकारी ले लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे खुद अलाउ है या नहीं अलाउ है। साथी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जब पिछली बार 69,000 भर्ती आई थी, उसमें बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा अधिक अप्लाई किए थे। किसी भी स्टेट की अगर भर्ती आती है, शिक्षक भर्ती आती है या फिर कोई सी भी भर्ती होती है, सबसे पहले वह राज्य सरकार, पहले शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं, अदर भर्ती की नहीं बात करते हैं यहाँ पर। शिक्षक भर्ती अगर आती है, आई थी 68,000 उत्तर प्रदेश में, तो बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा एक तरह से अप्लाई किए थे। अदर स्टेट के भी अप्लाई किए थे, लेकिन बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा एक तरह से सरप्लस में अप्लाई किए थे। उसमें बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइनिंग भी किया। देखिए, वहाँ का प्रोसेस क्या है, किसी भी स्टेट का प्रोसेस यह है, सबसे पहली बात है साथी कि पहली बात है, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ का डोमिसाइल 5 साल के अंदर का, मतलब 5 साल तक बना हुआ होना चाहिए। मतलब 5 साल पहले आप बना के रखे रहो या फिर 5 साल से आप उस स्टेट में निवास कर रहे हो, तब जाके आपका डोमिसाइल इस तरह बनता है। ऐसे कुछ प्रारूप हैं। अगर आपके डोमिसाइल वहाँ पे बने हैं, तभी जाके आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा कंडीशन में नहीं होंगे एलिजिबल। और यह बात भी सत्य है कि अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, तो अगर अदर स्टेट में यूपी से हैं, तो बिहार में अगर भरेंगे तो आप जनरल स्टेट से जनरल में बिलोंग करेंगे। अगर आप बिहार से यूपी के लिए अप्लाई करेंगे, तब भी आप जनरल से बिलोंग करेंगे। यही हाल हुआ था साथी हमारे, जब उत्तर प्रदेश में 68,000 भर्ती आई थी, तो सेम प्रोसेस यही था साथी। बिहार वाले प्रशिक्षु बहुत ज़्यादा संख्या में ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइन हो गया था इनका, बाद में इनको एक तरह से हमारे राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने की प्रोसेस भी ला दिया गया था भाई, क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी नहीं दिया गया है तो आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो यह लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी था, ये लोग पहुँचे थे कोर्ट में, और वहाँ से कोर्ट के माध्यम से यह पूरा प्रोसेस दिया गया था, एक तरह से यह प्रोसीड बना के दिया गया था लॉ एंड ऑर्डर से कि भाई हमारे भारत के कहीं के भी निवासी हों आप के डोमिसाइल अगर आप स्टेट के हैं, जैसे जिस प्रकार से आधार कार्ड होता है, किसी भी स्टेट के हों, आप दूसरे स्टेट में घूमने जाएंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उस स्टेट के नागरिक नहीं हैं, हैं तो भारत के। सेम यही चीज़ बताया गया, यही बात बताई गई हमारे कोर्ट द्वारा कि भाई आप किसी भी स्टेट के हों, आपका हक है कि आप अदर स्टेट में अप्लाई करें। उन्होंने किया था, उनको ज्वाइनिंग भी जारी किया जाए, नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, यह आदेश दिया गया राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार ने फिर इसके ऊपर कार्रवाई किया और उन सारे प्रशिक्षुओं का जो बिहार स्टेट के थे, उनका नियुक्ति पत्र जारी कराया। आज वह रकम पताई उठा रहे हैं, मस्त तरीके से जॉब कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है बिहार में भी। आप लोग उत्तर प्रदेश वाले प्रशिक्षु, अगर यह समझ लीजिए भर्ती आ जाएगी, जो 80,000 आने वाली है, वह जुलाई अगस्त तक आ जाएगी। अगर आप लोग सी टेट क्वालिफाई हैं या फिर बी टेट, मतलब बिहार के टेट आपने क्वालिफाई किया है, अगर बिहार के टेट नहीं, तो अगर सी टेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि सी टेट एक ऐसा जादुई छड़ी है साथी। सी टेट जो क्वालिफाई किया, वह हर राज्य में बाजी मारने के लिए पूरा हक उसका होगा। तो अगर आप डी एल एड किए हैं, तो आप बिल्कुल हकदार हैं साथी बी टेट के, मतलब कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई जरूर करिएगा। अगर यह बातें फंस जाती हैं कि हम तो यहाँ का आपका डोमिसाइल है ही नहीं, तो लास्ट में आप यही सूचना जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था उत्तर प्रदेश के लिए, यही पूरा जो सूचना है, आप वहाँ पर अप्लाई करिएगा। आपको भी नियुक्ति पत्र निश्चित मिलेगा, 100% सिक्योरिटी के साथ कहते हैं मिलना ही मिलना है, बस आप सी टेट क्वालिफाई रहिएगा। दूसरी तरफ यह है साथी, अगर आप बी टेट भी क्वालिफाई है तो कोई बात नहीं, अलग अलग स्टेट से। और बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है, सर बहुत सारे अभ्यर्थी एक तरह से निकाल दिए गए थे पिछली बार जब बिहार का आया था, तो उसमें इस वजह से निकाला गया था उनको, यूपी वालों को साथियों, क्योंकि वो गलत तरीके से 6 या 7 बच्चे ऐसे थे जो गलत तरीके से सी टेट का या फिर बी टेट का सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, क्योंकि जल्दबाजी में बनवा लिया था, बाद में फंसे थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया था। और दूसरी तरफ एक तरीके से उनकी गलती और थी, अगर आप भाई दूसरे स्टेट के हो तो आप जनरल में काउंट हो गए, आपको क्या ज़रूरत है वहाँ के दूसरे स्टेट की। हम मान लीजिए यूपी के हैं,
आप बहुत ज़्यादा एक तरह से लालच किए, मतलब लालच में आप बहुत ज़्यादा अपना एक तरह चलाकी दिखाए, आप बिहार का EBWS बना लिया। आपके मान लीजिए वहाँ पे सगे संबंधी हों तो उनके माध्यम से आपने EWS बनवा लिया, या फिर आपने आरक्षण के माध्यम से कुछ और व्यवस्था कर लिया वहाँ पे। आप आप OBC में आ रहे हैं तो OBC में वहाँ पे भी काउंट होने लगे, SC ST में आ रहे हैं तो वहाँ SC ST में काउंट होने लगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप अगर दूसरे स्टेट से हैं, अदर स्टेट में फॉर्म भरने, तो वहाँ पे जनरल में काउंट होंगे। यह है लाभान्वित अभ्यर्थी का काम। लेकिन अगर आप गलत तरीके से वहाँ पे चयन होने का प्रोसेस अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं लिंक के माध्यम से अगर पकड़े गए तो बेइज्जती साथ ही वहाँ से निकाल दिए गए। तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे पकड़े गए थे। तो इस वजह से यह अफवाह उड़ा हुआ है कि बिहार में आप अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं बच्चों, आप लोग अप्लाई करिएगा, सीटेट क्वालिफाई होइएगा, अप्लाई जरूर करिएगा। अगर वह बाद में नियुक्ति पत्र पर झंझट करते हैं तो आप UP का मामला वहाँ पर सुनवाइएगा, वही पूरा का पूरा लिखित उनको उनके पास रखिएगा, कोर्ट में रखिएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, निश्चित आपको नियुक्ति दिया जाएगा। बहुत अच्छा चांस है, सुनहरा मौका है, आप लोग जरूर अप्लाई करेंगे। जो सीटेट क्वालिफाई हमारे अभ्यर्थी 2019 बैच वाले, 2018, 2017, 2016 बैच वाले, सारे बच्चे जरूर अप्लाई करेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चों, जो आपके DLED के रिजल्ट के ऊपर चर्चा हो रही है, देखिए DLED की कापियाँ इनके माध्यम से, सचिव के माध्यम से साफ साफ बोला गया था 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगी, हर डाइट पे कापियाँ बढ़ चुकी हैं। लेकिन अभी कुछ सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि आपकी कापियाँ चेकिंग करने का आर्डर ही नहीं दिया गया डाइटों को। तो डाइटें कहाँ से शुरू करें? जब तक हर एक डाइट को आर्डर नहीं दिया जाएगा कि भाई आप कापी चेक करना स्टार्ट करो, तब तक आपकी कापी नहीं चेकिंग होगी। अब इस तरह से आज 5 तारीख हो गया, आप सोचिए अगर अभी तक इनको आर्डर नहीं दिया गया, तो PNP सचिव का सबसे बड़ा लापरवाही है। कापियाँ अपनी जगह पहुँच चुकी हैं, यानी कि आपने आर्डर नहीं दिया चेकिंग करने का। साफ साफ यहाँ पे मुद्दा यह है साथी कि आपका रिजल्ट डिले होगा। जब आपके आगामी रिजल्ट डिले होंगे तो आगामी स्कूटनी का फॉर्म डिले होगा। स्कूटनी का हमने बोला है विरोध करना है सारे प्रशिक्षुओं को, हर प्रशिक्षु स्कूटनी का विरोध करेगा साथी, तब जाके आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम जल्द कराए जा सकेंगे और 2nd सेमेस्टर के भी एग्जाम जल्द कराए जा सकेंगे। तो प्लीज़ आपसे विनती है, स्कूटनी को बिल्कुल बायकॉट करिए। आए तो किसी प्रशिक्षु को नहीं भरना है स्कूटनी के फॉर्म, हम यही कहते हैं साथी बार बार आपसे। ये प्रोसेस हम इस फिर पिछली बार भी बोल रहे थे, इस बार भी यही हम बोलना चाहते हैं साथी। बहुत सारे अभ्यर्थियों को बुरा भी लगेगा क्योंकि यह थोड़ी सी तीखी जरूर है लेकिन सच्ची है, कड़वी है, सच्ची है साथी। और अगर सारे प्रशिक्षु को क्लास करने हैं, चाहे DLED के 4 सेमेस्टर की बात कर लें साथी, सेमेस्टर की सारे के सारे क्लास लगाए गए हैं, आप आइए तो देखिए हर सेमेस्टर की क्लास, चाहे SST हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, ये तीनों क्लास हम हर सेमेस्टर के पढ़ा के रखे हुए हैं। जो नहीं पढ़ाया गया है, जैसे 4th सेमेस्टर का SST का चल रहा है, डेली 12 बजे आता है, तो आप उसे फॉलो करिए, अन्यथा कर इसमें रिवाइज करिए भाई। 1-2 दिन क्लास नहीं आता है तो अभी इतनी बड़ी बहुत बड़ा बवाल नहीं हो गया कि अभी क्लास नहीं आ रहा है सर क्लास चलाइए। अभी आपके पास 3 महीने हैं, हम 1 महीने में कहोगे तो पूरा बेहतरीन तरीके से बेसिक प्लस मैराथन सब खत्म करेंगे। और जो बच्चे DLED, जो बच्चे UPTET सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगस्त में नोटिफिकेशन आने वाला है बच्चों, आप लोग तैयार रहिएगा। सारी UPTET के सारे क्लास हमने बिल्कुल फ्री में दे दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम लिंक डेली शेयर करते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में आके सारी चीज़ें पा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। बच्चों आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में तैयारी करना चाहते हैं या फिर यही कोर्स पेड लेना चाहते हैं, पेड लीजिएगा, वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो यही रहा पूरा का पूरा, आप लोग चिंता नहीं करिएगा, आप लोग के रिजल्ट आएंगे। कापियाँ अभी चेकिंग होना नहीं स्टार्ट हुई हैं लेकिन हो जाएंगे 1 से 2 दिन में, ये पूरा सांत्वना आपको देते हैं, यही होगा क्योंकि अभी तक उन्होंने आर्डर तो नहीं दिया है लेकिन दे देंगे आर्डर बहुत जल्द। और आप लोग बच्चों जो सीटेट क्वालिफाई हैं हमारे UP उत्तर प्रदेश के बच्चे, पहली बात है आप किसी भी राज्य में KVS में या फिर कहीं भी आता है वैकेंसी तो उसको जरूर अप्लाई करें, पहले अपनी बेरोजगारी दूर करें, फिर उत्तर प्रदेश में तो आएगा ही आएगा 1 से 2 साल बाद, आप उसको जरूर अप्लाई करिएगा। धन्यवाद साथी, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर पसंद हो तो डेली या 9 बजे वीडियो आती है आपके लिए अपडेट, इसको जरूर फॉलो करिए। अभी कुछ कारणवश हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं लेकिन डेली हम 9 बजे लाइव आते हैं, कुछ कारणवश 10-12 तारीख तक, 12-13 तारीख तक लाइव नहीं आएंगे, इसके बाद हम लाइव आएंगे डेली आप लोग के लिए। हम आपके कमेंट का प्रारूप भी पढ़ते हैं, जिन बच्चों का डाउट होता है उसको क्लियर भी करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश 12 तारीख तक क्षमा चाहते हैं, 12-13 तारीख तक, उसके बाद हम आपको ऐसे ही डेली क्लास देंगे लाइव आके, और सारे बच्चों का कमेंट भी लेंगे। धन्यवाद।